व्हाट्सअप गाइस, फिर से वापस आ चुका हूं मेरे नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी लॉबी के बारे में जहां पे 21 किल करना तो छोड़ो, 10 किल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बट फिर भी ये टीम ने 21 किल करके दिखाया, जो कि कभी भी एक मामूली बात नहीं होती। ऐसा लग रहा था कि रैंक मैच खेल रहे थे, एंड यस इट इज LBFF, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि कितनी टफ लॉबी है। मतलब आप सब लोग खुद मानते हो कि इज वन ऑफ द टफेस्ट लॉबीज, फ्री फायर की वन ऑफ द टफेस्ट लॉबीज में से माने जाते हैं। वहां पे फ्लक्स ने जस्ट अ वॉक इन द पार्क की तरह घूमते फिरते 21 किल मार दिया एंड ब्रिलियंटली परफॉर्म कर रहा, अभी भी अपने जगह पे टॉप पे बैठे हुए हैं। अब क्या ही कहने, वीडियो को शुरू करेंगे। पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड सिट बैक करो, एंजॉय करो ये एनालिसिस वीडियो को, एंड एंजॉय करो इनकी परफॉर्मेंस को जो मैं आप लोगों के सामने भी ब्रेक डाउन करके बताने वाला हूं। एंड ज्यादा वक्त ज़्यादा करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले तो मैं आपको ये सिचुएशन दिखाऊंगा, ये देखिए, ये एक फाइट चल रहा है ऑलरेडी B4 और आपके डीडी की टीम के बीच में, एंड फ्लक्सो का आप अगर पोजीशनिंग देख लो तो फ्लक्सो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। और काफ़ी ज़्यादा सिंपल जो थंब रूल होता है आपके बैटल रॉयल का, कि जब भी आप दो टीमों के बीच के फाइट देखते हो तो ऑफकोर्स जो भी टीम आसपास होगी अगर उनको एडवांटेज दिखता है तो आपके ऊपर वो झपटने तो 100% वाले हैं। अब ये B4 की टीम के साथ ये फाइट जो चल रहा था ऑलरेडी, देखो पीछे आपको किल फीड में दिख रहा है कि फैक ने यहाँ पे B4 के एक प्लेयर चाइन्स को खत्म कर दिया है, तो एडवांटेज जो यहाँ पे DD की टीम के ऊपर वो लेने की कोशिश कर रहे थे तो ऑफकोर्स वहाँ पे तो प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो DD के जो खिलाड़ी बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्सो के प्लेयर्स पास आ चुके हैं, एक नेड आता है FX के सियास की तरफ से। ठीक है, ये इसे ना स्पेसिफिकली ये क्लिप को तो मैं एनालाइज नहीं कर सकता, बट सिंपल एक ही स्टेटमेंट है इसके लिए कि अगर दो टीमें फाइट करें, एक थंब रूल होता है कि यस ऑफ कोर्स अगर आपको यहाँ पे फायदा दिख रहा है, आपको पता है कि कितने प्लेयर्स वहाँ पे बचे हुए हैं, इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो ऑफ कोर्स आप वहाँ पे एडवांटेज क्रिएट करो, एंड फ्लक्सो ने वही करके दिखाया। तो नेक्स्ट फाइट उनका शुरू होता है विद NMG के साथ। आप यहाँ पे भी देखना कि अगर सर्कल के अंदर फ्लक्सो को जाना है तो ऑफकोर्स NMG एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा उनके लिए। वो अगर बिना फाइट के आगे बढ़ भी जाएंगे तो उनके लिए ये एक ऐसी टीम बनेगी जो उनको नाक में दम करके रखेगी। तो एज ए टीम आप क्या सोचोगे, तो ऑफकोर्स हमें एलिमिनेट करना है। और क्वास्टरो को देखो आप, यहाँ पे चार्ज बस्टर के साथ किस तरीके से यहाँ पे नो एडवांटेज क्रिएट कर रहा है। मूवमेंट देखिए, ये होता है एक एज ए टीम कोऑर्डिनेशन, क्या फैक क्वास्टरो एंड जापा बेकेआर यहाँ पे फाइट आउट कर रहे हैं। सियाज एक डिफरेंट एंगल पे, अपने दुनिया में एक फ्लैंक एंगल पे, कोई भी प्लेयर को पता ही नहीं है सियाज का पोजीशनिंग, और सियाज यहाँ पे कितना बड़ा एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं ये आप खुद सोचिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्ले करूंगा, आप देखिए एक मिनटों में यहाँ पे टीम एलिमिनेट हो जाती है। यहाँ पे जापा बेकेआर नॉकआउट हो जाते हैं, क्वास्टरो नॉकआउट हो जाते हैं, बट सियाज यहाँ पे जो है फैक यहाँ पे देखिए, फैक और यहाँ पे सियाज ने मिलके, दोनों ने मिलके पीछे से यहाँ पे कॉन्क्रीट कवर दिया गया उनकी टीम की तरफ से, एंड यहाँ पे जापा बेकेआर और क्वास्टरो नॉकआउट होने के बावजूद ये फाइट में उन्होंने जीत हासिल कर लिया। ठीक है, अब इस फाइट में सिचुएशन आप देखिए, ये क्रुजेरियो के साथ फ्लक्सो का फाइट चल रहा है। अब फ्लक्सो का पोजीशन देखिए, ये पूरे मैच के दौरान फ्लक्सो के पास सर्कल है ही नहीं, उनको लड़के सर्कल का जो हिस्सा है जिस टीम के पास है उससे उनसे छीनना पड़ा है। तो अगर उनको अब यहाँ पे फ्लक्सो को घुसना है सर्कल के अंदर तो ऑफकोर्स उनको यहाँ पे मार गिराना पड़ेगा क्रुजेरियो को, अदरवाइज वो खुद यहाँ पे एलिमिनेट होने वाले हैं, क्योंकि सर्कल का डैमेज पड़ेगा, ऊपर से ये क्रुजेरियो वाले मारने वाले। अब एडवांटेज फ्लक्सो के पास क्या है कि ट्रैप यहाँ पे ऑलरेडी नॉक्ड आउट पड़े हुए दिख रहे हैं आपको। ठीक है, एंड सामने अभी फ्लक्सो के प्लेयर्स के पास नंबर एडवांटेज मिल गया, उनके पास हाइट का भी एडवांटेज है, बट सर्कल में क्योंकि उनको आना है तो इनको मूवमेंट नहीं देना, बट ट्रैप का नॉक होना यहाँ पे क्रुजेरियो के लिए बहुत बड़ा ट्रैप बन जाता है। देखिए जैसे आते हैं मतलब ऐसे मिनटों में नॉक निकाल सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके ग्रेनेड लॉन्चर से वो काम खराब कर रहे हैं, बट क्रुजेरियो मतलब गुइगा ने फिर भी यहां पे एक इंपॉर्टेंट नॉकआउट निकाल के दिया, बट क्या फर्क पड़ता है, उनके पास प्लेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, उनका शील्ड ग्लू वॉल डबल प्रोटेक्शन ऑन किया, यहां पे रिवाइवल मिल गया उनको, 17 फिनिश पॉइंट ऑलरेडी निकल चुका है। अब 5 टीमें बाकी है, क्योंकि क्रुजेरियो को उन्होंने इतना ज्यादा डैमेज पहुंचा दिया है सियाज के। आप ये प्रोजेक्टाइल मोशन को कल मैं आपको दिखा रहा था ना, देखिए कहां से कहां प्लेयर को नॉकआउट कर रहा है ये प्लेयर, अभी भी गॉड के प्लेयर को भी वो टेक ऑन कर रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ प्रोजेक्टाइल मोशन। कल हम ड्रेओ के बारे में दिखा रहे थे ना, आज देखिए मतलब लेजेंड से हमें देखने को मिला, दिस इज अ लिविंग लेजेंड, किस तरीके से एक उसमें उन्होंने खत्म कर दिया। अब कोई चारा ही नहीं है, नो कॉम्पिटिशन, मतलब आप देखिए वो खड़े खड़े उधर में मार रहे हैं, रश यहां पर अकेला बचा हुआ था, एक और नेड आ रहा है। आई थिंक ये फाइट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहां पे पूरे मैच में एक्चुअली यहां पे सियाज का था, आखिरी किल भी वो लेके जाता है, 21 किल मारता है, 21 किल्स प्लस अ बूया, 10 के लिए बंदा अकेले इस लॉबी में मार के जा रहा है, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। मतलब क्यों कहते हैं सियाज को द बेस्ट, इसी रीजन की वजह से कहते हैं, उसका प्रोजेक्टाइल मोशन देखा, उसको उसके नेड यूसेज का आपने एबिलिटी देख लिया कि कैसे वो नेड को कर रहा है, हर एक नेड हर एक चीज को वो परफेक्ट जगह पे प्लेस कर रहा है, जिस वजह से उसको मैक्सिमम आउटकम निकाल के लेके आ पा रहे हैं। कल यही चीज
ड्रेगो भी कर रहा था रॉकी नार्डियस के मैच, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। एंड जब भी ऐसे प्लेयर्स उभर के आते ना, देखने में बहुत बड़ा मजा आता है। एंड आई थिंक इसमें स्पेसिफिकली हाइलाइटिंग पार्ट तो यही है कि इन प्लेयर्स को पता है कि ये क्या कर रहे हैं, वो सबसे बेस्ट होता है, वहीं पे यू नो अच्छे प्लेयर्स बेस्ट बन जाते हैं। अगर विराट कोहली को पता है कि ये फुल टॉस को मैं ऊपर उठा के मारने वाला हूं या फिर कवर ड्राइव प्लेस करने वाला हूं, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप उस कंफ्यूजन में फंस जाएंगे ना, उठा के मारूं या फिर ड्राइव करूं, तो उस चक्कर में आपका या तो बॉल आधे आधे उसमें हिट करोगे आसमान में चला जाएगा, या तो कैच आउट कॉटन वो हो जाओगे, आप सिचुएशन में फंस जाओगे, या तो आप क्लीन बोल्ड हो सकते हो। सो कभी कभार फुल टॉसेस भी आप लोगों को संभालना पड़ जा सकता है। सो यस, दिस वॉज इट, यही पे मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, एंड मोर स्पेसिफिकली सियाज के गेम प्ले को एंजॉय किया होगा, क्योंकि इंडिया में आप लोग जब देखते हो ना तो मजा आता है जब बाहर के प्लेयर्स यू नो ये चीज और अच्छी तरीके से करके देते हैं और आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, तो आप लोगों के पास थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है कि यार काश मैं सियाज की तरह ऐसे प्लेस कर पाता। नीड्स, यस, दिस वॉज अ वीडियो फॉर ऑल द अंडररेटेड प्लेयर्स जो सीखना चाहते हैं, एंड टू ऑल द टीयर वन टीम्स जो देख रहे हैं, जो प्रोफेशनली टीयर वन टूर्नामेंट में ये करने की कोशिश करते हैं बट हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। टाइमिंग एंड प्लेसमेंट हमेशा आपको एक सक्सेसफुल प्लेयर बनाएगा, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो यस, दिस वॉज इट, ये वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। स्टे सेफ गाइस।